आज यहाँ पे उत्तर मध्य मुंबई के उम्मीदवार माननीय एडवोकेट उज्ज्वल निकम साहब, इनकी रैली तकरप्पा परिसर में घूम रही है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस सभी महायुति के कार्यकर्ताओं द्वारा है, नागरिकों द्वारा है। और आज अमावस्या होने के कारण सब दुकानें भी ज़्यादा बंद है और इसी वजह से आज उत्साह का भी वातावरण है और बीजेपी शिवसेना की जो महायुति है वो महायुति को लेकर बहुत ही लोग अच्छे प्रभावित है और नरेंद्र मोदी जी को वापिस पुनः एक बार पंतप्रधान बनाने के लिए सबके मन में वही आशा है कि माननीय पंतप्रधान मोदी वापिस एक बार पंतप्रधान बने। पहले से जो वार्ड क्रमांक 151 जो है ये बीजेपी शिवसेना का बाले किला है, यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा उठता है। और यहाँ पर जब पूना महाजन हो गए खासदार, माजी खासदार और हमारे आमदार मंगेश कुड़कर साहब हो गए, उन्होंने भरपूर काम यहाँ पर किया है। और यहाँ पर जो जनता है वो हमेशा बीजेपी शिवसेना का साथ में खड़ी, युति का साथ में खड़ी है। और इस बार जो उज्ज्वल निकम साहब, एडवोकेट उज्ज्वल निकम साहब जो है वो एकदम मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने यहाँ पे दिया हुआ है। हम सभी महायुति के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी, शिवसेना, मनसे, RPI और भी अन्य पार्टी होगी, सब मजबूती से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सब मजबूती से यहाँ पर काम कर रहे, एक से एक मिलकर, हाथ से हाथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। वार्ड में आप देख ही सकते हैं ना, क्राउड देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़बरदस्त क्राउड है। और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र क्या पूरे देश में इस सीट की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी ने जिस हिसाब से उज्ज्वल निकम साहब को महायुति का यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, उसके बाद तो पूरे देश का ही माहौल बदल गया। और उसके बाद कुछ दो चार दिन पहले आपने देखा होगा कांग्रेस की तरफ से उन पर जो एकदम गलीच टिप्पणी की गई, देशद्रोही करके उनको संबोधित किया गया, उसके बाद तो माहौल पूरा ही बदल गया है। यहाँ पे मुंबई में पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी, जिसको हम लोग महाबकवास आघाड़ी बोलते हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है और उज्ज्वल निकम जी 2 लाख से ज्यादा मतों से विजय होकर आने वाले। वो स्थानीय 4 दिन पहले यहाँ पे आके रहने से स्थानीय नहीं हो जाता कोई, उन सबको मालूम है। वो धारावी की साइड में रहते थे, वो दक्षिण मुंबई की सीट मांग रही थी, वहाँ पे उनको उनकी नहीं चली तो फिर यहाँ पे जबरदस्ती उनको लाके भटका गया है। एक हिसाब से राजनीतिक हत्या की गई है उनकी। माहौल बहुत बढ़िया है सर, ये माहौल बना है मोदी जी ने जो हमारे इंडिया में जो काम किया है, हमारे 500 साल से अगर हमारे राम राज्य नहीं था, आज उनका मंदिर बना है, इसीलिए लोगों की भावना मोदी की ओर हो गई है, बीजेपी की ओर। और यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया, इसलिए उनको वोट मिल रहा है सर, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत है टकरपापा में, और हम जीतने के बाद इनको बोलेंगे जरा थोड़ा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में भी ध्यान दीजिए, गरीब लोग हैं यहाँ, हाथ मेकिंग का बहुत काम है, चप्पल का काम है, इनमें भी ध्यान देना है। और बाकी जो है ये सरकार जो है बहुत काम कर रही है और करते हैं, सब अपना अपना विचार है, मगर सही दिल से सोचो तो बीजेपी और मोदी की वजह से बहुत बढ़िया है सर सरकार। माहौल के बारे में आपको कुछ बताऊंगा ना, आपके कैमरे में तो ऑलरेडी आ चुका होगा, तो मैं क्या झूठ नहीं बोलूंगा, जो है वो लोगों का समर्थन है, लोग पूरे खुश है कि यहाँ पर निकम जैसे इंसान को सीट दी गई है। और आप सब लोग को मालूम है निकम साहब एकदम न्यूट्रल आदमी है, और गुंजाइश है कि ऐसे ही सब उम्मीदवार या हमारी मुंबई महाराष्ट्र में आएंगे, और महाराष्ट्र का नहीं, हमें तो देश का विचार कर रहा हूँ, और मोदी साहब बैठे हैं वहाँ पर, वो देश का विचार करके एक उम्मीदवार रही है यहाँ पर, और जनता पॉजिटिव है, इस बार तो 400 पारी होने वाले हैं, बहुत फायदा होगा क्योंकि अभी महायुति हमारी है और आमदार भी युति सरकार में है, और ये 2 साल में जो हमने काम किए वो तो शायद हमने वो पिछले 7 साल में नहीं किए रहेंगे, इतने काम किए कि हर 100 फुट या 200 फुट के आर पर जाओगे तो आपको आमदार साहब का काम दिखाई देगा। और मुझे मैं ही नहीं, यहाँ के सब लोग उनका सब लोगों का शुभेच्छा है, निकम साहब बहुत बड़ी तादाद से जीत के आएंगे। और आमदार मंगेश कुलकर साहिबान सा, मंगेश कुलकर साहिबान सा, कि यावेळी बीजेपी सरकार येणार, 400 पार होणार। आणि मेन म्हणजे ना सर मंगेश कुडाळकर सरांनी खूप काम केलेलं आहे,
भरपूर म्हणजे आता हा बुद्ध विहार म्हणा किंवा कुठलाही छोट्या छोट्या कुठल्याही ह्याच्यामध्ये ते उभा राहिलेले आहेत आणि सगळ्यात जास्त प्रगती आहे ना मंगेश कुडाळ सरांनी केलेली आहे. म्हणजे कुठेही असं नाही की म्हणजे हे पूर्ण हा एरिया नाही पण सगळ्या एरियामध्ये त्यांनी खूप सारं काम केलेलं आहे. म्हणजे त्यांना तर थँक्सच आहे. खूप फायदा होणार आहे. खूप म्हणजे खूप प्रमाणाच्या बाहेर फायदा होणार. हे बुद्धविहार पण त्यांनीच बांधलेले आहे. सगळ्यात जास्त जे छोटी छोटी कामं आहेत ना कोविडच्या वेळे पण इथे बस नव्हती. मी एक फोन केला ह्या एरियामध्ये बस नव्हती बस सुरू झाली. परत आमचं पाईप आहे ना तिथे पाणी चोकअप व्हायचं तर तिथून ती मशीन निघालेली. ती मशीनसुद्धा एका दिवसात त्यांनी ना एका आठवड्यामध्ये मी फोन केला कोविडच्या टायमाला पटकन त्यांनी मशीन आणून दिली नवीन मशीन आणून दिली जर पाणी जाण्याची असं ते पाणी भरतं ते एवढं सगळं काम आहे ना छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये ते फटाफट उभा राहतात म्हणून वोट तर त्यांनाच जाणार आहे. माझं नाव सुवर्णा कांबळे आहे. आमचं काम एवढं मो साहेबांनी करून दिलं तर आम्ही साहेब त्यांच्याच बरोबर होतो आम्ही त्यांना निवडून देणारच. आमच्या विहाराचं काम पण त्यांनीच केलेलं आहे. गुडाळकर साहेबांनी केलेलं आहे आणि उज्ज्वल निकमचं पण त्यांना साथ आहे आणि आमची सगळ्यांची साथ आहे उज्ज्वल निकम साहेबांना आणि कुडाळकर साहेबांना. आम्ही त्यांच्याबद्दल खूप खूप आभारी आहोत. आज आम्ही तर उभं विहार बघा साहेबांनी बांधून दिलेले त्या समोर बघून घ्या एवढं मोठं काम माझ्या साहेबांनी करून दिलेलं त्याबद्दल. या रॅलीचं जे निमित्त आहे निवडणुकीच्या निमित्तानं उमेदवार यांनी या रॅली काढलेली आहे. गंमत अशी आहे की गेले काही दिवस आम्ही बघत आहोत ज्या ज्या ठिकाणाहून या ठिकाणी उज्ज्वल निकम साहेबांची रॅली निघाली त्या त्या ठिकाणी तुला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळालेला आहे. प्रचंड संख्येनं लोक उपस्थित राहतात. विशेष म्हणजे महिला वर्ग आणि तरुणांचा वर्ग मोठ्या प्रमाणावरती असतो. त्यामुळं उज्ज्वल निकम साहेबांचा विजय हा जवळजवळ अधोरेखित झालेला आहे तर जाहीर व्हायचं फक्त बाकी आहे.